दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां पर मैंने YouTube पर सर्च किया कार्टून स्टोरी इन हिंदी। यहां पर जैसे ही मैंने लिखकर सर्च किया, मेरे सामने कुछ वीडियो आए। उस वीडियो के व्यूज पर एक बार आप ध्यान दो। यहां पर आप देखोगे 23 घंटे पहले डाला गया वीडियो 1,55,000 व्यूज, एक दिन पहले डाला गया वीडियो 1,30,000 व्यूज, दो दिन पहले डाला गया वीडियो 1,00,000 से ज्यादा व्यूज, और यहां पर आप देखोगे दो हफ्ते पहले डाला गया वीडियो 1.2 मिलियन व्यूज। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप कार्टून वीडियो, एनिमेशन वीडियो, इन टाइप के कंटेंट पर काम करना स्टार्ट कर दो, भले ही आप खुद का वीडियो नहीं बनाओगे, ऐसे वीडियो बनाकर आप YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे जल्दी चैनल ग्रो और सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर ये तो कार्टून वीडियो है, इसको हम कैसे बनाएंगे, हमको तो इसका ABCD भी नहीं मालूम, कुछ नहीं पता है हमको। और दूसरा नंबर, अगर आप बनाना भी सिखा दो तो उसके लिए लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, वहां पर हम बना सकते हैं। यही आपकी जो गलत सोच है, यही आपकी जो गलत जानकारी है, इसी वजह से आज तक ये सोचकर आप ऐसे वीडियो कंटेंट पर काम नहीं कर पाए हो। अब मुझे पता है बहुत सारे YouTube पर लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन वो कैमरे के सामने बोल नहीं पाएंगे। वो बाद में भले ही नेता बनकर कितना भी बोलें लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो असलियत यही है कि अच्छे अच्छों की फट जाती है कैमरे के सामने बोलने में। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं बोल पाते उसको अपनी कमजोरी ना बनाओ, इसको अपनी ताकत बनाओ। और ताकत बनाओगे कैसे? ऐसे कंटेंट पर काम करके। अब आपको लग रहा होगा अरे सर ये तो कार्टून वीडियो है। भैया कार्टून वीडियो नहीं है, एनिमेशन कैटेगरी है, और एनिमेशन कैटेगरी के अंदर कई सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आज तक आपको मालूम नहीं पड़ा। और इतना बता दूं, अभी जो मैं आपको बताऊंगा मोबाइल फोन से इतना आसान तरीके से वीडियो बना लोगे ना, जब आप जानोगे बोलोगे अरे सर हम तो इसको मनोरंजन के लिए यूज करते थे और इससे हम वीडियो बनाकर पैसे भी कमा सकते हैं, हमको तो मालूम नहीं था। ये कार्टून में जो देख रहे हो, कार्टून चलता है, एक जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ बोल रहा है, भाई ऐसे ही टाइप का कॉन्टेंट नहीं होता है। इसमें कार्टून के अंदर कई सारे ऐसे एनिमेशन कॉन्टेंट होते हैं जो मोबाइल फोन के अंदर अगर आपके पास सिर्फ 30 मिनट हैं, यानी आधे घंटे हैं, तो उस आधे घंटे में बना सकते हो। भाई 30 मिनट तो ज्यादा बोल दिया, अगर 10-15 मिनट भी है ना तो उसी से आपके मोबाइल फोन में आसानी से बन जाएगा। इस वीडियो को देख लो, खुद कमेंट करके जाओगे हाँ सर मैंने बहुत आसान तरीके से ये वीडियो बनाना सीख लिया है। और ऐसा ही एक चैनल है, भी दिखाऊंगा भाई, 100 वीडियो डालकर कितना बोलते हो सर हमारे 1,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, 1,000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुए। भैया 100 वीडियो प्लस डाला है और चैनल पर कितने हैं पता है? 1, 2, 3। हजार की बात नहीं कर रहा हूं, लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 1, 2, 3। 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। विश्वास करोगे? नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है। करे भैया 100 वीडियो ही डालते ही 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर, ये तो असंभव बात है। अभी दिखा रहा हूं, प्रूफ दिखा रहा हूं, हमेशा प्रूफ दिखाता हूं, प्रूफ दिखा रहा हूं। और बिल्कुल आसान कंटेंट बनाता है, 15 मिनट अगर आपके पास है, किसी भी एज के हो घबराना मत कि हम नहीं बना पाएंगे। भाई साहब अगर आपकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, 60-70 साल के हो चुके हो, या फिर एज बहुत कम है, 6-7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे हो, आप भी चाहते हो यूट्यूब पर काम करना, तो जो अभी दिखाने वाला हूं आसान तरीके से, जो हाथ में मोबाइल फोन पकड़कर मेरा वीडियो देख रहे हो, उसी हाथ में आपके जो हम मोबाइल फोन है, उसी मोबाइल फोन से यह कंटेंट बहुत आसान तरीके से बना लोगे। और बनाना आपका भाई सब सिखाएगा, बस शांति जगह पर मोबाइल फोन लेकर बैठ जाओ और सीखना भी स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं एक चैनल पर चलता हूं जिस चैनल की बात किया, कौन सा कंटेंट बनाकर 100 वीडियो प्लस डालते ही 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर किया है, वही कंटेंट बनाना मोबाइल फोन के अंदर सिखाऊंगा, और इसी कैटेगरी से मिलता जुलता वो कंटेंट है। अब वहां चैनल पर चलने से पहले आपसे वही छोटी सी गुजारिश जो हर वीडियो में करता हूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो इतना अच्छा लेकर आया हूं तो एक लाइक कर दो यार, कोई पैसा नहीं लगता है लेकिन आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। अब डायरेक्ट लेकर चलता हूं चैनल पर और आपको वो कॉन्टेंट दिखाता हूं, वो चैनल दिखाता हूं, वो वीडियो समझाता हूं, जिसे देखकर 100% आप मोटिवेट हो जाओगे। अब दोस्तों यहां पर मैं उस चैनल पर आ चुका हूं जिस चैनल की मैं बात कर रहा था, चैनल का नाम आप देखो आदर्श गेमिंग वर्ल्ड। अब गेमिंग पर मत जाना, गेमिंग नाम भले ही है लेकिन बंदा कुछ अलग दिमाग लगाता है, दिमाग अभी आपको समझाने वाला हूं, वो चीज बाद में समझना। पहले यहां देखो कितने सब्सक्राइबर हैं, 3.46 मिलियन यानी 34 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। कितने वीडियो डाले गए हैं?
178 वीडियो। मैंने क्या बोला था, 100 प्लस ही वीडियो है लेकिन सब्सक्राइबर 3 मिलियन से ज्यादा है, प्रूफ मिल गया। अब 178 वीडियो से जितने में लोग 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट कर पाते, उतने वीडियो से बंदे ने अगर 34 लाख सब्सक्राइबर किया है तो कुछ तो अलग बना रहा है जिससे इतने अच्छे खासे व्यूज और इतने अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिले हैं। अब क्या ये बनाता है भाई, ये मेनली शॉर्ट्स वीडियो बनाता है। और आपको पता है, ये आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि शॉर्ट्स वीडियो बनाता है तो कोई ज्यादा तामझाम नहीं होगा, 40-50 सेकंड का वीडियो बनाना है, इसीलिए बोला सिर्फ 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। और व्यूज कितना अच्छा खासा लेता है, एक बार मैं आपको प्रूफ यहां पर दिखा दूं। इसके शॉर्ट्स वीडियो के अगर मैं पॉपुलर वीडियो के अंदर जाऊं तो आप व्यूज देख सकते हो, यहां पर आपके सामने है 45 मिलियन व्यूज भाई साहब, 45 मिलियन व्यूज पॉपुलर वीडियो पर, 33 मिलियन व्यूज, 20 मिलियन व्यूज, 19 मिलियन व्यूज, 18 मिलियन व्यूज, ऐसे ऐसे वो व्यूज ले रहा है। और कॉन्टेंट क्या बना रहा है, कॉन्टेंट देखने से आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि ये बना क्या रहा है। आपको मैं एक वीडियो ओपन करता हूं, वीडियो ओपन करके दिखाता हूं, तब आप एक प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। और इसके बाद कुछ एक्सप्लेन करूंगा, वो चीजें ध्यान से समझना, अगर आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाओगे तो फिर हमेशा बोलता हूं आधा अधूरा ज्ञान और भी घातक होता है, पूरा चीजें समझ कर जाना। अब यहां पर जो भी आपको कंटेंट दिख रहा है, ये जो भी आपको ये कंटेंट दिख रहे हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन वाला कंटेंट, क्या है भाई साहब, यहां पर स्पाइडरमैन है, यहां पर मैं कुछ भी ओपन करता हूं, जैसे यही एक वीडियो ओपन करता हूं, ध्यान से समझिएगा, आपको सारा थीम समझ में आ जाएगा वीडियो का। समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया? अब बोलोगे हाँ सर, एक कार्टून टाइप का वीडियो चल रहा था, उसमें एक कैरेक्टर बोल रहा था, ऐसे टाइप का मुझे समझ में आया, बता रहा हूं। यहां पर जो वीडियो बनाया जाता है वो एनिमेशन वीडियो ही है, लेकिन ये वीडियो किसका है, ध्यान से देखिए, किसका है, गेम प्ले का वीडियो है। इसीलिए बंदे ने यहां पर अपने चैनल में लिखा है आदर्श गेमिंग वर्ल्ड, इसीलिए इसने गेमिंग वर्ल्ड लिखा है। अब ये जो गेम प्ले का वीडियो है, बंदा आराम से गेम खेलता है, मोबाइल फोन में गेम जैसे खेलते हैं आप, देखते हो फ्री फायर, ऐसे बहुत सारे गेम हैं, बड़े बड़े चैनल्स भाई साहब वर्ल्ड के नंबर वन चैनल बन चुके हैं गेमिंग खेलकर, पीछे से वॉइस ओवर करके। अब जैसे टोटल गेमिंग हो गया, अभी उन्होंने फेस रिवील किया, लेकिन उसके पहले पीछे से ही आवाज डालकर आराम से गेम खेला जा रहा था, वीडियो बन रहा था, मिलियंस सब्सक्राइबर, मिलियंस व्यूज, करोड़ों छापे यूट्यूब से। और वही चीज ये बंदा कर रहा है, ये भी गेम प्ले कर रहा है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके जैसे फ्री फायर खेलने के लिए बैठ गया, सब खेल भी नहीं पाओगे ना, आसान सा गेम पकड़ा, उस गेम को सिर्फ गेम प्ले किया, यानी वो गेम खेला और उसमें इसने अपनी वॉइस डाल दी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर ये तो छोटे बच्चे की वॉइस लग रही है। भैया वॉइस अगर आप डालते हो, चाहे काइनमास्टर से एडिट करो, चाहे जिससे भी एडिट करो, वहां पर आपको एडिटिंग में वॉइस चेंजर का ऑप्शन आता है, वॉइस चेंजर का ऑप्शन, और नहीं आता है तो पिच करके आता है, पिच साउंड में पिच करके आता है, उसी पिच को कम ज्यादा कर लो ना, आपकी ही आवाज लेडीज जैसे, जेंट्स जैसे, छोटे बच्चे जैसे, रोबोट जैसे, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। और वॉइस चेंजर करके भी काइन मास्टर में आता है, उसी में एडिटिंग होगा, भी बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा वहां पर जाकर, तो कैसे भी आवाज कर लो, रोबोट की, बच्चे की, चाहे जैसे आवाज कर लो आराम से चेंज करके। और वही आवाज चेंज करके गेम प्ले करके शॉर्ट्स वीडियो में 40 से 50 सेकंड का वीडियो बनाकर बंदा इतना अच्छा खासा व्यूज और सब्सक्राइबर लिया है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कौन सा गेम ये खेलता है, कौन सा गेम प्ले करता है, हमको तो नहीं पता। नहीं पता है तो किस चीज का डर है, मैं हूं ना बताने के लिए। अब डायरेक्ट लेकर चलता हूं आपको मोबाइल फोन में, क्योंकि मुझे पता है मोबाइल फोन आपके हाथ में है, जब तक मोबाइल फोन में आपको बताऊंगा नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा, तो मोबाइल फोन में लेकर चलता हूं, कहां से कौन सा गेम मिलेगा वो गेम बताता हूं, और उससे आप कैसे कंटेंट बनाओगे, कैसे एडिटिंग करोगे, सारा का सारा प्रोसेस चलिए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों यहां पर मैं गूगल प्ले स्टोर के अंदर आ चुका हूं, जो आपके मोबाइल फोन में होता है ऐप, उसके अंदर आ चुका हूं। यहां पर सिंपली मैंने सर्च किया हल्क गेम, अब ये लिखकर मैंने जैसे ही यहां पर सर्च किया, देख सकते हो बहुत सारे हल्क के गेम आ चुके हैं। हल्क जानते हो कैरेक्टर ना भाई, वो जो है क्या बोलते हैं, वो मार्वल्स वाला जो मूवी में हल्क कैरेक्टर होता है, वो देख सकते हो। और कुछ इस तरीके से आपको गेम मिलेगा जिसमें आप सब देख सकते हो, यहां पर बहुत सारे यहां पर देख सकते हो आदमी होते हैं जिनके ऊपर आपको फाइट करके खेलना होता है, जैसे फ्री फायर टाइप का होता है, उस टाइप का, यहां गोली नहीं चलानी होती लेकिन वैसे ही खेलना होता है, उस टाइप का है। अब हल्क गेम आपको यहां पर मिल गया भाई। हल्क गेम के अलावा अगर यहां पर जानते हो बच्चों में बहुत ज्यादा कौन सा फेमस है, मोटू पतलू गेम बहुत फेमस है ना, मतलब कैरेक्टर,
तो यहां पर अगर आप डालोगे मोटू पतलू गेम तो बहुत सारे आपको मोटू पतलू के भी गेम मिल जाएंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्टोरी टाइप के गेम मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक गेम के अंदर स्टोरी होती है। आप फ्री फायर ही खेलते हो, क्या होता है भाई ये जाकर लेना है क्या, ऐसे भी मुझे नहीं पता यार, उतना मैं खेला नहीं हूं कि भाई इस बंदे को यहां पर मतलब डाउन करना है, इसके बाद यहां पर जाकर ऐसे ये चीज लेनी है, ये चीज मतलब कुछ ना कुछ स्टोरी रहता है गेम में, तभी तो लोग उसको खेलते हैं। तो यहां पर भी देख सकते हो मोटू पतलू का भी स्टोरी है, जैसे यही गेम डाउनलोड कर लिए। अब गेम जब खेलोगे हर एक लेवल में अलग अलग स्टोरी मिलेगी, उस खेलते हुए गेम को रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करके वॉइस डाल दो और उसमें से थोड़ा सा एडिटिंग कर लो, आपका वीडियो बनकर तैयार। अभी बनाकर दिखा भी रहा हूं, घबराओ मत कि सर ऊपर ऊपर से बता दिए, बनाना नहीं सिखाया, बता रहा हूं। अब जैसे यहां पर मैं गया, अब आपको यहां पर मिला जैसे मोटू पतलू गेम, अब यहां पर आपको मिलेगा जैसे मैंने यहां पर सिंपली सर्च किया स्पाइडरमैन गेम, स्पाइडरमैन गेम मैंने सर्च किया, बहुत सारे स्पाइडरमैन भी कैरेक्टर बहुत बच्चों में फेमस है। स्पाइडरमैन गेम में यहां पर जाओगे बहुत सारे आपको स्पाइडरमैन का कैरेक्टर मिल जाएगा, जो कि आराम से बंदा यहां पर जो भी है होता है स्टोरी टाइप का ये खेलता रहेगा, जैसे लोगों को बचाना, कोई लोग कहीं पर फंस गया, स्पाइडरमैन का काम यही तो होता है लोगों को बचाना, तो यही सारे गेम वो खेलता रहेगा। जैसे यहां पर आप देखोगे गेम क्या खेलता रहेगा, मतलब अपना वो आपको प्ले करना होगा। जैसे यहां पर देख सकते हो बहुत सारे गुंडे आ रहे हैं जिनके साथ वो फाइट कर रहा है। अब ये सारे गेम खेलते हुए आप बढ़िया से एक वीडियो बना सकते हो, जैसे ही मैंने यही गेम डाउनलोड किया हुआ है स्पाइडर फाइटर 2 करके। अब इसको मैं अभी ओपन करता हूं, ओपन करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप खेलोगे। अब जैसे देख सकते हो यहां पर मैंने ओपन कर लिया है, बहुत सारे यहां पर देख सकते हो स्ट्रीट में गुंडे आए हैं जो कि आपको भगते हुए बचना है। यहां पर देख सकते हो आपको इस तरीके से कुछ फाइट करनी है जिसके पास यहां पर गन है, फिर इस तरीके से आओगे स्ट्रीट में आगे चलोगे और भी गुंडे आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको यहां पर प्ले करना है। और प्ले करते हुए यहां पर देखोगे फिर आगे जाओगे, जैसे आगे आपने गए यहां पर, अब पीछे देख सकते हो यहां पर गुंडे लोग आ रहे हैं आपको, जिससे आपको बचना है। यहां पर इस तरीके से आगे चलोगे आपको ये पुलिस की कार मिल रही है जो कि यहां पर आप देख सकते हो यहां पर बंद है, तो आपको इस तरीके से मुड़कर जाना है। फिर आगे कोई बंदा आएगा उसको आपको यहां पर इसी तरीके से फाइट करना, देख सकते हो पीछे से कोई आ रहा है यहां पर आपको बचना है, बचने के बाद ऐसे फ्लिप करके आपको ऐसे मारना है फिर जाना है। इस तरीके से आपको पता है कि गेम में ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं, इसको मैं बंद करता हूं। तो इस तरीके का कैरेक्टर जो होता है, जो स्टोरी होती है, उसको खेलते हुए आपको गेम बनाना है, यानी कि आपको रिकॉर्ड करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे हो जाएगा, आपको रिकॉर्ड हो जाएगा और उसी से आप वीडियो बना सकते हो। जैसे मैंने ये खेला गेम, अब इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब इसको कैसे वीडियो फॉर्म में बनाओगे वो मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे मैं काइन मास्टर के अंदर आ चुका हूं, सिंपली मैं क्रिएट न्यू करूंगा एक प्रोजेक्ट लेने के लिए, शॉर्ट्स वीडियो बनाना है तो मैं 1:1 या फिर 9:16 कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूं, जैसे 1:1 ही है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं आ चुका हूं, तो जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं यहां पर ले लेता हूं। जैसे मैंने मेरे पास वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं ले लेता हूं, तो यहां पर मेरे पास वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको एडिट करना है, तो भाई पहले मैं जूम करके पूरा इसको कर लेता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पैन एंड जूम पर जाऊंगा, यहां पर इक्वल करूंगा और इसको मैं जूम कर लेता हूं जिससे पूरा फुल स्क्रीन में दिखे ये वीडियो। अभी आ चुका है, इसकी मैं वॉइस को क्या करूंगा 0% कर लूंगा, क्योंकि मुझे गेम की वॉइस नहीं डालनी है, गेम की वॉइस नहीं, आपको खुद का वॉइस डालना है और पीछे से जो म्यूजिक चल रहा था, जो मैंने आपको चैनल दिखाया, वो म्यूजिक डाल लेना, इमोशनल म्यूजिक लिखोगे मिल जाएगा यूट्यूब पर, उसी को बैकग्राउंड में थोड़ा सा 10-20% में लगा लेना। इसके बाद सिंपली आपको यहां पर वॉइस डालना है, जैसे यहां पर आप डाल सकते हो रिकॉर्डिंग पर जाओ, यहां पर क्लिक करो और वाइल ये अलाउ अलाउ करो और यहां पर देख सकते हो आप रिकॉर्ड करने लगोगे। स्टार्ट मैंने किया, देखो देखो यहां पर ओ भाई देखते हैं यहां पर, अरे सामने एक बंदा दिख रहा है, अच्छा अच्छा ये मुझे मारने आया है, रुको रुको अभी बताता हूं, ये मारा मैंने फ्लिप, ये इस तरीके से मैंने फ्लिप कर दिया, अच्छा ये भी आ गया, अच्छा अच्छा दो दो बंदे आ चुके हैं, चलो 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 निकलते हैं इस, यहां पर जो मेरा जो ये गली है इस गली से निकलते हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब इस तरीके से जैसे मैंने बोला मेरी वॉइस यहां पर आ चुकी है, चाहे आप गेम खेलते हुए यहां पर बोल सकते हो या फिर बाद में ऐसे करके एडिटिंग कर सकते हो। अब यहां पर आओगे, जैसे मैंने वॉइस पर क्लिक किया एक ऑप्शन मिलेगा, आप देखोगे वॉइस चेंजर करके, आपको यहां पर दिख रहा होगा वॉइस चेंजर, इस वॉइस चेंजर पर जाऊंगा और यहां पर मैं आ जाऊंगा जैसे बैड गाइज, एक्सट्रीम इको, फनी, किडमैन, बहुत सारे आपको आवाज, रोबोट, रेडियो, अलग अलग आवाज मिल जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देख सकते हो मेरी वॉइस कैसी है, पहले वॉइस सुनो नॉर्मल, देखो देखो नॉर्मल वॉइस है। अब मैं यहां वॉइस चेंजर पर जाऊंगा, जाने के बाद यहां पर जो ऑप्शन है किड वाला, क्योंकि बच्चे की वॉइस थी ना, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए अब देखिए, अब देखिए मेरी वॉइस कैसे हो चुकी है, देखिए अब मेरी वॉइस कैसे हो गई, एक छोटे बच्चे जैसे हो गई। बस यहीं से वॉइस चेंज करो, जैसे वो बच्चे की वॉइस डालता था वैसे बच्चे की वॉइस डाल दो, और इसके बाद जैसे मैंने आपको सिस्टम समझाया उस तरीके से अपना यहां पर अगर
तब ना गेम खेलते टाइम नहीं बोल पाते हो, अभी बोलकर ऐसे रिकॉर्ड कर लो, वॉइस चेंज कर लो, पीछे से म्यूजिक जो वो डालता है म्यूजिक डाल दोगे, इमोशनल म्यूजिक करके मिल जाएगा, या फिर कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में ही बता दूंगा नाम, उसको आपको म्यूजिक यूज कर लेना है, 10-20% यूज कर लेना बैकग्राउंड में, बस आपका वीडियो बनकर तैयार उसके जैसा ही। और वो कितने व्यूज ले रहा था, कितने यहां पर सब्सक्राइबर किया था, वो बताने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप कंटेंट बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है, एक चीज बच रही है वो भी क्लियर कर देता हूं। क्या चीज बच रही है? चैनल की कैटेगरी, क्योंकि भाई काम करना है तो चैनल की कैटेगरी भी तो क्लियर होनी चाहिए। तो चैनल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो चैनल कैटेगरी आप गेमिंग सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि गेम का वीडियो आप खेल कर यहां पर डालोगे। गेमिंग कैटेगरी भी एनिमेशन टाइप का जो कंटेंट बनाते हैं उसी से मिलता जुलता होता है, क्योंकि इसमें भी एनिमेशन होता है, गेम के अंदर भी एनिमेशन होता है, वही चीज आप यूज करोगे, बस पीछे से वॉइस डाल दोगे कि वीडियो फॉर्म में तैयार, आपका कोई वीडियो नहीं, कैमरे के सामने कुछ बोलना नहीं, फर्स्ट क्लास वीडियो बन गया और तगड़े से व्यूज देता है, तगड़े से चैनल ग्रो होता है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने खुद प्रूफ के साथ दिखाया। और नए क्रिएटर के लिए अगर आपके पास सिर्फ 10-15 मिनट है तो सोचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ऐसे चैनल पर काम कर सकते हो, तगड़े से व्यूज ले सकते हो, तगड़े से चैनल ग्रो कर सकते हो, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। कोई भी तब पर भी कंफ्यूजन है या फिर आपको म्यूजिक का नाम चाहिए कुछ भी, कमेंट करके बताना। दिल से वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक करना, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सही तरीके से आप वीडियो देखकर एक यूट्यूब जर्नी में सही तरीके से आगे बढ़ पाओ। और यहां पर शॉर्ट चैनल बनाने का फुल तरीका बताया हूं, क्योंकि ये शॉर्ट चैनल है जो मैंने आपको बताया, ऐसे ही देखकर चैनल बना लेना, फुल सेटिंग कर लेना, सब कुछ 2024 का तरीका बताया हूं वैसे कर लेना, और जैसे काम करने का तरीका बताया हूं वैसे काम करना, उस चैनल पर स्टार्ट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।